हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आरडी शर्मा की बुक में से। आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, सिलेंडरिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड वॉटर फ्लोज थ्रू इट एट 192.5 लीटर पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। हमें जो है बोला गया कि कोई एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका इनर डायमीटर, मतलब कि अंदर का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें बोला जा रहा है कि इस पाइप में से जो है वो पानी फ्लो कर रहा है और पानी फ्लो करने की जो स्पीड है वो है 192 लीटर पर मिनट। 192.5 लीटर जो है वो एक मिनट में पानी उसमें से बाहर निकल जाता है पाइप में से। हमें जो है वो रेट ऑफ फ्लो पता करना है इन किलोमीटर पर आवर। पहले तो क्योंकि हमें इन आर निकालना है तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक घंटे में पाइप में से कितना पानी जो है वो निकल रहा है। हमारे पास जो है वो एक मिनट का है। हमें ये पता करना है कि एक घंटे में उस पाइप में से कितना पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि हमारा जो पाइप है वो एक सिलेंडर की शेप में है। इसमें से जो है वो पानी फ्लो कर रहा है। हमें जो है वो क्या गिवन है, हमें एक मिनट का गिवन है कि एक मिनट में जो है वो सिलेंडर में से पानी जो फ्लो कर रहा है वो है 192.5 लीटर। वॉटर फ्लोस इन वन आर। हमें एक आर का निकालना है। हमें एक मिनट का गिवन है कि एक मिनट में जो है वो 192.5 लीटर निकलता है एक मिनट में। तो एक घंटे में कितना निकलेगा, एक घंटे में जो है वो हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो एक घंटे में निकलेगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जो है वो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 192.5 × 60 × 1000। अब ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर में इसीलिए बदल रहा है क्योंकि हमारे पास जो पाइप का डायमीटर है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो अब जो है वो हम बोल, क्योंकि पाइप जो है वो हमारे सिलेंडर में से फ्लो कर रहा है, तो जितना पानी एक घंटे में फ्लो करेगा वो इक्वल टू होगा सिलेंडर की हाइट के बराबर, पाइप की हाइट के बराबर होगा जितना पानी एक घंटे में उसमें से निकल रहा है। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम दैट फ्लोज इन वन आर, जो कि एक घंटे में पानी उसमें से निकला है, फ्लो हुआ, वही हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा। इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोज। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है, वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कितना पानी निकल रहा है वो हमें पता लग गया, वो निकल रहा है 192.5 × 60 × 1000। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई क्या है हमारे पास, 22/7। रेडियस कितना है, डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। हाइट ही हमें जो है वो पता करनी है, इज इक्वल टू है हमारे पास 192.5 × 60 × 1000। हाइट निकालनी है तो हाइट को इधर रख के बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 192.5 × 60 × 1000। 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, ऊपर हमारे पास है 22 × 7 × 7, तो 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली
ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 3 लाख सेंटीमीटर। इसको जो है वो हम क्योंकि किलोमीटर में निकालना है तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी, जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो 3 किलोमीटर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।